क्लास 9 में कल मैं कबीरदास के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन आंसर करा रही थी। तो लास्ट में देखिए, हाँ, सात समुद्र की मस करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, हर गुण लिखा न जाए। क्वेश्चन नंबर 1, उपर्युक्त दोही का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। आंसर देखेंगे, फर्स्ट आंसर, हिंदी के प्रमुख निर्गुणवादी संत कवि कबीरदास रचित उपर्युक्त दोहे में ईश्वर के अनंत गुणों की चर्चा की गई है, जिनका उल्लेख करना असंभव है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उपर्युक्त दोहे द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं। आंसर देखेंगे, उपर्युक्त दोहे द्वारा कवि कबीरदास यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ लोग ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि ईश्वर के गुण अनंत हैं, जिन्हें लेखने के बंधन में बांधना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपर्युक्त दोहे का भावार्थ लिखिए। आंसर थर्ड, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के गुणों का बखान करने के लिए यदि सातों समुद्र की स्याही बना ली जाए, सभी वनों के कलम के रूप में प्रयोग किया जाए, सारी पृथ्वी का प्रयोग कागज के रूप में किया जाए, तो भी ईश्वर के गुण नहीं लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्दार्थ लिखिए। समन मीन्स समुद्र, मसी मसी मीन्स स्याही, बन राय बन, कागज कागज। सो दिस वर्क वॉज योर चैप्टर इज कम्प्लीट एंड आई हैव गिविन यू दिस होमवर्क कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। इसलिए मैंने आपको ये दो चैप्टर करने के लिए दिए हैं। इन चैप्टर्स को आप अपनी कॉपी बना लीजिएगा, उस कॉपी में कीजिएगा, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहार, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। फर्स्ट क्वेश्चन, पाहन पूजे हर मिले शीर्षक दोहे में कवि ने किस आडंबर का प्रयोग किया है, तो अपनी बात के समर्थन में उन्होंने क्या उदाहरण दिया है। सेकंड क्वेश्चन, गुरु का स्थान भगवान से ऊंचा है, यह बात दोहे से कैसे स्पष्ट होती है। थर्ड क्वेश्चन, कबीर ने गुरु की महिमा का बखान किस प्रकार किया है। देन फोर्थ क्वेश्चन, शब्दार्थ लिखिए, पाहन पहाड़ चाकी दो। नेक्स्ट सेकंड, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोनों समाई, सात समंद की मस करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, हर गुण लिखा न जाए। क्वेश्चन नंबर 1, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, पंक्ति द्वारा कभी क्या स्पष्ट करना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन, प्रेम की गली की क्या विशेषता होती है। थर्ड क्वेश्चन, ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, कभी ने इसको किस प्रकार से स्पष्ट किया है। देन शब्दार्थ लिखिए, मैं साकरी समय और कागज। तो इसका आप लोग, मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से बताया था, इसके साथ ही मैं आपको इसकी PDF डाल रही हूँ, जिसमें कि मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क डाल के दिया है, जिसमें मैंने आपको कभी परिचय दिया है उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, भाषा थी, शैली थी, रस अलंकार थे, छंद थे। इसके बाद में मैंने कविता का परिचय और उसके कविता का सार देते हुए मैंने सभी उनकी जितने भी हमने जैसे गुरु गोविंद दो खड़े वगैरह जो भी जितने भी हमारे आए थे, मैंने कल जो बताए थे उनका हिंदी अनुवाद आपको इस PDF में डाल के दिया है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको दिए हैं। ये काम आपको प्रोजेक्ट वर्क की कॉपी में करना होगा। दैट्स ऑल, योर चैप्टर हैज ओवर एंड आई हैव बीन आई दे आई विल कंटिन्यू टुमारो।